हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आईफोन 5S की चार्जिंग के पत्ते को कैसे चेंज करें। ठीक है फ्रेंड, इस फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इसमें नेटवर्क आ रहा है जा रहा है और कभी कभी आ ही नहीं रहा है, तो इसमें ये दिक्कत आ रही है। तो अब इसको हम ओपन करेंगे कि इसमें ये चार्जिंग का पत्ता कैसे फिट लगाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, इसे मैंने स्विच ऑफ कर दिया और अब इसको एक स्क्रू ड्राइवर से पहले नीचे का स्क्रू खोलेंगे। इसके जब ये फ़ोन ये ओपन होता है, नीचे के दो स्क्रू लगे होते हैं फ्रेंड, इनको निकालना होता है। ठीक है, ये निकल गए हैं। दोनों स्क्रू हमने फिर निकाल दिए हैं और हमें ये साइडों से इसको ओपन करना है। किसी ब्लेड से या किसी बत्ती से इसे हम ओपन कर देंगे। ठीक है, इसको नीचे से उठाना है हल्का सा ब्लेड से, फिर बाकी अपने नाखूनों के हिसाब से इसे निकाल देना है। नाखून है इसे, फ्रेंड अब ये ओपन हो गया है। अब इसके नीचे लगी हुई टच आईडी की पत्ता होता है, हम उसको भी निकाल देंगे। टच आईडी जो लगी होती है कनेक्टर में, उसको निकाल देंगे। निकाल दिया, अब ये हमारा डिस्प्ले खुल गया। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए पहले हम इसका बैटरी कनेक्टर निकालेंगे, फिर कैमरा पत्ता निकालेंगे, फिर टच आईडी, फिर डिस्प्ले और टच का। ठीक है, ये ओपन हो गया, इस साइड में रख देते हैं। अब देखिए, अभी खाली इसका बोर्ड है और ये देखिए जो चार्जिंग का पत्ता है, हम इसको चेंज कर देंगे। सबसे पहले ये सारे स्क्रू इसके खोल लेंगे। ये यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, पहले स्पीकर के सारे स्क्रू खोल लेंगे। फ्रेंड इसे खोलना, इसे करना कोई मुश्किल नहीं है फ्रेंड, आप इसे आराम से कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नॉर्मली सब बस स्क्रू खोलने, इसको याद रखने कि कौन कौन सा स्क्रू कहाँ लगा हुआ था, बस हमें ये डायग्राम बना के चलना है। ऐसे होता है ना फ्रेंड कि कहीं हम छोटे बड़े स्क्रू कहीं और लगा देंगे ना, तो वो नहीं बैठेंगे, तो ऊपर नीचे होंगे या तो नीचे से आपका पैनल क्रैक भी हो सकता है। ठीक है, हम उसका स्पीकर बाहर निकालेंगे। यहाँ पर नेटवर्क की वायर है निकलेगी, और ये देखिए ये पूरा इसका फ्लैक्स आता है, इसको अलग करेंगे और दूसरा लेंगे। ये दूसरे है फ़ोन का न्यू है, इसको लगाएंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है फ्रेंड, आप इसे नॉर्मली कर सकते हो ध्यान से। लग जा इसे फ्रेंड, क्या होता है कनेक्टर कभी कभी ऐसे भी होता है मैम, फ्रेंड कनेक्टर लग ही नहीं पाते हैं, कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं लगाने में भी, होता है ऐसा कनेक्टर बिठाने में। ये हमारा कनेक्टर लग गया, इसके बाद हम डिस्प्ले ला के चेक करेंगे कि फ़ोन हमारा चार्जिंग कर रहा है कि नहीं। ठीक है, टच कनेक्टर लगा देते हैं, डिस्प्ले कनेक्टर लगा देते हैं। लगा दिया, अब इसको चेक करेंगे कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। इन्हें चार्ज लगा दिया, एक मिनट, ये सॉरी गलती हो गई, ये नीचे आ गया, मैं चार्जिंग जैक में लगाना है। लगा दिया, अब देखिए एप्पल का लोगो आ गया, तो मतलब ये ओके है। ठीक है, अब इसको निकाल देंगे हम इनको, अब इसकी फिटिंग करेंगे। तो हम इसे डिस्प्ले को निकाल लेते हैं। अब ये सारे स्क्रू इसमें लगा देंगे, फिर से पहले स्पीकर रखेंगे। स्पीकर है इसका, स्पीकर को आराम से अपनी जगह पे जैसे था वैसे सेट करेंगे, ध्यान से करेंगे, कोई मतलब दिक्कत ना हो, फंसे फुसे ना। ठीक है, इसके बाद ये टाइट हो गया,
थिंक ये लगा दिया ना स्पीकर, उसके बाद हम फिर स्क्रू टाइट कर देंगे सारे। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स ये जो चार्जिंग का जो पत्ता है ना फ्रेंड्स, इसमें हमारे तीन चार चीज़ें लगी होती हैं। सबसे पहला एक तो इसमें स्पीकर भी कनेक्ट होता है इस पत्ते में, एक नेटवर्क वायर भी होती है, इसमें चार्जिंग जैक भी होता है, इसमें माइक भी होता है, फिर इसमें हैंड फ्री का लोगो भी होता है और एक टच आईडी की का भी इसमें पॉइंट होता है। ठीक है, टोटल में मैम 6 चीज़ें इसमें एक पत्ते के अंदर होती हैं। अगर इन में से कोई सी दिक्कत आप में आए तो इसी पत्ते को ही चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो हैंड फ्री जैक की दिक्कत आए, चाहे वो चार्जिंग की दिक्कत आए, या नेटवर्क की आए, या स्पीकर की आए, या माइक की आए। तो फ्रेंड आपको ये पत्ता ही चेंज करना पड़ेगा, इसमें कोई कंपनी नहीं है जो ये निकाला लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा पत्ता ही आपका चेंज होगा। ठीक है, ये पत्ता मार्केट में आराम से मिल जाएगा, कॉपी मिल जाएंगे और ओरिजिनल जो होंगे ओरिजिनल ओरिजिनल भी मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं भी मिल जाएंगे ये, तो आप ला के इसको लगा सकते हो। आपको बता दिया है फ्रेंड, अभी जैक की दिक्कत हो तो इसमें आपको पूरा फ्लैक्स ये पत्ता चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसको लगा दिया है पूरा, नेटवर्क वायर लगा देता हूँ, ये नेटवर्क वायर है यहाँ पे, इसको हम इसमें बिठा देंगे। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट, अब हम इसमें डिस्प्ले बिठाएंगे, पहले चार्जिंग पत्ता लगा देते हैं, कनेक्टर जो है चार्जिंग का। ये हमारी डिस्प्ले, इसको हम इसमें लगा देते हैं, पहले टच कनेक्टर लगाएंगे, फिर डिस्प्ले कनेक्टर लगाएंगे, इसके बाद कैमरे का जो होता है पत्ता वो लगा देंगे लॉक के। अब बैटरी कनेक्टर लगा देते हैं, ये हमारा टच आईडी है, टच आईडी को लगा देते हैं। ठीक है, ये लग गई, अब फोन को ओपन करके देखेंगे ये ओपन हो रहा है कि नहीं। चार्जिंग लगा के देखते हैं फ्रेंड, अभी ये ओपन नहीं हुआ, शायद शायद कोई पत्ता सही नहीं लगा होगा, एक बार चेक कर लेता मैं निकाल के। ये पत्ता जो होता है फिर एक भी पॉइंट पत्ते का अगर हिल गया तो यहाँ वहाँ हुआ तो फ़ोन ऑन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पत्ते एकदम सही बैठने चाहिए, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ पत्ते लगा के कि गलती से इधर उधर ना हो गए हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड अभी भी ऑन नहीं हुआ है, इसका मतलब पत्ते में दिक्कत आई है, तो इसको फिर से हम लगा के निकाल के लगाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, यही ध्यान रखना है कि इसमें पत्ते सही ही बैठने चाहिए, कभी गलत ना हो। ठीक है, अगर पत्ते गलत बैठाओगे तो ये ओपन नहीं होगा, या शॉर्ट भी हो सकता है, या इसकी लाइट उड़ सकती है। ठीक है, अब ये फ्रेंड ओपन भी हो गया, अब मैं इसको पैक कर दूंगा, इसको फ्रेंड बड़े ध्यान से पैक करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, नहीं तो फिर डिस्प्ले क्रैक हो जाएगा। इसे आराम से बड़े पैक करना है साइडों से, हर जगह देख के, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो टूट जाएगी, डिस्प्ले इतनी ज़्यादा नाजुक भी होती है। ठीक है, अब इसमें ये हमारा पैक हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड देखा आपने कैसे चार्जिंग और नेटवर्क के प्रॉब्लम कोई हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो चार्जिंग पत्ता बदल के। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ठीक है फ्रेंड, और ये फ़ोन हमारा ओपन हो गया, अब हम इनको चेक करेंगे नेटवर्क आएगा फ्रेंड, इसमें नेटवर्क भी आ रहा है अब पूरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा फ्रेंड काम हो गया है, तो ये कामयाब हो गया। ठीक है, सब कुछ वर्किंग कर रहा है, स्पीकर भी वर्क कर रहा है, अभी हम पूरा पर्पज को चेक कर लेंगे कि ये पत्ते में कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ वर्क कर रहा हो, तब जाके इसको हम कस्टमर तक कर भेजेंगे। ठीक है,
अभी ये टच आईडी देखो काम नहीं कर रही है। इसे मेरा टच आईडी का पता जो है लगाया नहीं है मैंने, वो मैं लगाना भूल गया। अभी मैं इसको लगा दूँगा, ठीक है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारे चार्जिंग और नेटवर्क की प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है, आप ऐसे कर सकती हो। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।